हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा रसोई अड्डे में आपका स्वागत है। हम आज बनाएंगे कढ़ाई पनीर। तो हमने 300 ग्राम पनीर ले लिया, 3 टमाटर ले लिया, और दो एक छोटे एक बड़े प्याज ले ली, आधे इंच करके दो टुकड़ा अदरक ले लिया, और थोड़ा सा लहसुन कर लिया, और दो हरी मिर्ची, और काजू ले लिया 7-8 पीस, 10 पीस काजू ले लिया। इसको हमने सॉटे करेंगे, काट करके इसको सॉटे करेंगे। देखिए हमारा तेल कढ़ाई गर्म हो गया। अब इसमें 1 चम्मच करीब तेल डालेंगे, कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप। फिर इसमें खड़े मसाला डालेंगे, 2-3 टुकड़ा दालचीनी, 2 मोटी इलायची, 3 हरी इलायची, और 5 दाने काली मिर्ची, और 4 दाने लौंग। इसको हम इसमें डालेंगे। पहले हाई फ्लेम में रखिएगा, फिर अभी थोड़ा स्लो कर दिया ताकि ये थोड़ा भून जाए। फिर हमने डालेंगे इसको लहसुन के लिए और प्याज। तो थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी सा होगा। फिर हम टमाटर, अदरक और हरी मिर्च काट लिया, इसको डाल के जब तक हम सॉटे कर रहे हैं तब तक हम ये सब्जी काट लेते हैं। ये कैप्सिकम है, कैप्सिकम आधा डालेंगे, और एक टमाटर और ये प्याज, इसको भी फ्राई करके हम निकाल लेंगे सॉटे करके। इसको हमने सॉटे कर लिया अच्छे से। इसको आप ऑफ कर देंगे, अभी फिर ठंडा करने रख देंगे। फिर हमने ये कट कर लिया प्याज, ऐसे स्लाइस कर लिया, और पनीर को भी ऐसे स्लाइस कर लिया, और कैप्सिकम जो शिमला मिर्ची है उसको ऐसे कट कर लिया, और एक टमाटर। इसको फ्राई कर लेंगे हम। पहले ग्राइंड करते हैं मसाला, फिर उससे पहले इसको हम सॉटे करके निकाल लेंगे, फिर उसके बाद मसाला डालेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि पहले नए नए डिशेस आपके पास पहुँच जाए। देखिए इसको हमने ठंडा कर दिया था, इसको हम अभी पीस लेंगे। मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें जरा सा ऑयल डालेंगे, और ये प्याज वगैरह कट के रखी हुई थी, प्याज टमाटर कैप्सिकम पनीर सब एक एक करके इसको फ्राई करेंगे। पनीर को नहीं फ्राई करते हैं हम, कच्चा डालते हैं। वैसे जिनको फ्राई पसंद है वो डाल सकते हैं फ्राई करके। पहले हम ये
कैप्सिकम, टमाटर डाल दिया, ऑयल डाल देंगे, खड़े मसाला तो हमने उसमें पीस लिया सोटे करके मसाले के साथ, हम इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे से, इसको भी इसमें छानेंगे। ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, स्लो फ्लेम में रख दिया, अभी ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक हम इसको छान के मसाला को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको छान लिया, अब हो गया तेल गर्म, इसको हमने छान के एकदम कढ़ाई में ले लिया। देखिए मसालों में हमारा उबल आ गया अच्छे से, इसमें हम डालेंगे अभी नमक स्वाद अनुसार, डेढ़ चम्मच करीब डाला हम, डालेंगे इसको किचन के लगभग डालेंगे हम लगभग एक चम्मच, फिर अभी भूनेंगे जब तक तेल ना छोड़े मसाला। और कोई मसाला नहीं है, अगर किचन किंग नहीं डाल सकते पनीर का भी मसाला डाल सकते हैं। देखिए मसाला में ऊपर तेल लग गया ना, उसमें नमक गिरा, इसमें हम अभी पनीर डालेंगे, पनीर है दो मिनट के लिए भुनेंगे, अभी फिर इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे एक कप करीब, ये जो सब सामान हमने फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे। ये
कितना अच्छा लग रहा है देखो। बनाइएगा, खाइएगा, बहुत मस्त रहिएगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। बस रेडी है, सब करी ले लीजिएगा रोटी के साथ, चावल के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, खुश रहिए। थैंक यू।